भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आया टीम इंडिया के गेंदबाजों का तूफान एक बार फिर बेड़े विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट मुकाबले का आज तीसरे दिन का खेल खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद जॉनी बेयरस्टो ने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिरकार विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो के बीच किस तरह की नोक झोंक हुई है और अंपायर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन प्लेयर मानते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करें भारत और इंग्लैंड के बीच इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की खेल की। तो दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में थी जब टीम इंडिया ने 85 रनों के स्कोर पर 5 विकेट चटका लिए थे इंग्लैंड की टीम के। लेकिन दोस्तों, आज का मुकाबला जब शुरू हुआ तो यहां पर पलड़ा भारी लगा इंग्लैंड की टीम का, क्योंकि इंग्लैंड की टीम की तरफ से कल के मुकाबले को आज शुरू करने उतरे बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई। लेकिन दोस्तों, हम बात करेंगे मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली और जॉनी बेयरस्टो के बीच हुई नोक झोंक के बारे में। तो दोस्तों, आज मैदान पर एक बार फिर जॉनी बेयरस्टो और विराट कोहली के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। इसके बाद अंपायरों ने बीच बचाव किया और कैसे भी दोनों खिलाड़ियों को शांत किया। पूरा मामला हम आपको बताएं दोस्तों, तो भारतीय टीम के तरफ से शानदार गेंदबाजी हो रही थी और जॉनी बेयरस्टो बड़े शॉट खेलने में नाकाम हो रहे थे। इसी बीच जॉनी बेयरस्टो ने विराट कोहली को कुछ कहा, जिसके बाद विराट कोहली तिलमिला उठे और उन्होंने करारा जवाब दिया। इस जवाब के बाद यहाँ पर दोनों खिलाड़ी काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। हालाँकि विराट कोहली ने काफ़ी कुछ कहा जॉनी बेयरस्टो को और काफ़ी अग्रेसिव भी नजर आए। इसके बाद ओवर की समाप्ति के बाद जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और बेन स्टोक्स के साथ साथ जॉनी बेयरस्टो और अंपायरों ने मिलकर तीनों खिलाड़ियों के बीच समझाइश कराई। इस दौरान विराट कोहली ने बेन स्टोक्स को काफ़ी देर तक बात की और इसके बाद दोनों बल्लेबाज काफ़ी मुस्कुराते हुए नजर आए, तो साथ ही विराट कोहली भी उनके साथ मुस्कुराते रहे, जबकि जॉनी बेयरस्टो के कंधे पर विराट कोहली ने हाथ भी रखा। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच समझाइश हो गई। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो दोनों खिलाड़ी काफ़ी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, लेकिन इस एग्रेसिव के बाद टीम इंडिया को एक बड़ी सफलता मिली और वो सफलता थी टीम इंडिया की तरफ से बेन स्टोक्स के रूप में शार्दुल ठाकुर को मिली। बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो के बीच काफी शानदार साझेदारी हो रही थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच आज 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने आज की टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार कैच करते हुए बेन स्टोक्स को पेवलियन की राह दिखाई। बेन स्टोक्स ने 36 गेंदों पर शानदार 25 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही बेन स्टोक्स आउट हुए, इसके बाद जॉनी बेयरस्टो का रुद्र रूप देखने को मिला। जॉनी बेयरस्टो ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन शतक जमा दिया। वहीं पर सैम बिलिंग्स के साथ मिलकर उन्होंने शानदार 92 रनों की पार्टनरशिप कर ली। इस दौरान जॉनी बेयरस्टो ने जहां 139 गेंदों पर 106 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर सैम बिलिंग्स ने 46 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। वहीं पर टीम इंडिया से अभी भी इंग्लैंड की टीम 175 रन पीछे हैं। टीम इंडिया चाहेगी कि जॉनी बेयरस्टो को जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी पेवलियन की राह दिखाए। टीम इंडिया की गेंदबाजी की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 3 सफलताएँ प्राप्त की, तो वहीं पर इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इंग्लैंड टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है, तो आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम भारत के लक्ष्य तक पहुंच पाएगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें।